Hello everyone, I'm Vishal Gandhi and you're watching me on Bazooka. जी, एंथनी कहीं ना कहीं राजीव को बचाने के चक्कर में उसको गोली लग जाती है और अभी सीरियस कंडीशन में ऑपरेशन हो गया. ऑपरेशन सक्सेसफुल था, गोली निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घाव हो गया है जो थोड़ा जानलेवा है. तो अभी ICU में है और बस वहीं पर ये सीन चल रहा है. अकॉर्डिंग टू राजीव उसका विजय दिवस था और वो स्टेज पे जब कू उसको हार पहनाने आ रही थी, राजीव ने सुना था कि गन कॉकिंग की आवाज़ सुनता है वो और उसको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो फायर होने वाला है. जो होता है उसको पता चलता है, वो कू को बचाता है और अकॉर्डिंग टू राजीव को बचाने के लिए हंसनी ने वो गोली अपने पर ले ली. जी अब ये मैं नहीं जानता, मतलब विशाल जानता है, राजीव नहीं जानता. ये गोली कू के तरफ आ रही थी, कू के तरफ आ रही थी, लेकिन ऑफकोर्स कू से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है विजय दिवस पे. एक पॉलिटिशियन का तो ये लगेगा ना कि मैं जीता हूँ तो मेरे राइवल्स को मुझसे दुश्मनी है, मेरी बीवी से क्या दुश्मनी होगी. तो कहीं ना कहीं उसको ये था दिमाग में कि ये गोली कू के तरफ आ रही है, ये थी मेरे लिए, कू बीच में आ गई, तो वो उसको बचाने के चक्कर में वो हटता है और गोली लगती है हंसनी को, बिकॉज वो सेम पेरिफेरी में हम खड़े थे. थैंक यू सो मच.